अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों को हमारे इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के जो टॉपिक है वो, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि कंप्यूटर में जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त उसमें इंग्लिश टाइप होता है। अगर आप उर्दू के बूट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, ताकि कीबोर्ड जो है वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा इसको इंस्टॉल करके किस तरह से आप फेसबुक और सोशल मीडिया वगैरह में आप उर्दू लिख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो आप सब ने आने वाले हजरात से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी गूगल के होम पेज पर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उर्दू पाक इंस्टॉलर, ठीक है जी। और इसको मैंने सर्च किया तो ये सबसे पहले वाला लिंक जो आता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, तो इसको मैंने डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और ये हमारे फाइल जो है डाउनलोड हो रही है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारी जो सॉफ्टवेयर थी वो डाउनलोड हो गई है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करके शो इन फोल्डर, जिस फोल्डर में ये ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमें वहाँ लेके जाएगा। और यहाँ से हमने इसको ओपन कर देना है दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके, और इसको मैंने यस पे क्लिक कर देना है, और ये इंस्टॉल नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और ये अभी मुझे कह रहा है कि आपने अपने कंप्यूटर को अभी रिस्टार्ट कर देना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं दोबारा से इसकी जो सेटिंग है वो बता देता हूँ कि किस तरह आप इसका यूज़ करेंगे और इसको आप किस तरह से अपने सोशल मीडिया वगैरह जहाँ पर भी आप उर्दू लिखना चाहते हो तो किस तरह इसको यूज़ करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहें, मिलते हैं एक थोड़े देर ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोबारा हमने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके ओपन कर दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उर्दू पाक इंस्टॉलर का जो लिंक है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो मैं इसको रिसाइकल बिन में रिमूव कर देता हूँ और आपको सिंपली गूगल की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर जब गूगल ओपन हो जाए तो अब अगर आप इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, तो ये इंग्लिश में होता है। अब आपने इसको उर्दू में किस तरह कन्वर्ट करना है ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। या सबसे नीचे आप देख रहे हैं EN लिखा हुआ है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं UR उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो आपने इसके ऊपर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो कीबोर्ड था वो उर्दू में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान के मुकाम। तो ये देख लीजिए हमारा जो कीबोर्ड है वो टोटली कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया है उर्दू में, और मैंने आप दोस्तों के सामने ही उसमें उर्दू लिख के सर्च किया तो रिज़ल्ट आप दोस्तों के सामने है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।